वेलकम प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद फन में। आज के इस वीडियो में बहुत ही हम खास बातें कुछ करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी 2018-19 की पिछले साल की कट ऑफ, और हम यहां से तय करेंगे कि इस साल की क्या कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि आपको पता है पैटर्न चेंज हो गया, मार्क्स चेंज हो गए हैं, तो क्या इतने ही मार्क्स लाने होंगे या इससे ज़्यादा, कितने ज़्यादा लाने होंगे, कितने कम लाने होंगे, ये सारी बातें हम यही करेंगे। साथ साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात आज आपको बता के जाऊंगा, जो आपके आने वाले समय में परीक्षा तक आपका बहुत ही सहयोग करने वाली है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों और ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले एसएससी जीडी 2018-19 की कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो आपके सामने ये फोर्स दिए हैं, एनआईए, एसएसएफ, एआर, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और वीएसएफ। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने हिसाब से रख लें, क्योंकि मैं यहाँ पर यूआर को डिकोड करने वाला हूँ। आप इसके अलावा सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग उसी के अनुसार डिकोड करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो एक चीज़ क्या करेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसका स्क्रीनशॉट बहुत ही ध्यान से आप देखते जाइए। देखिए, ये है यूआर का, क्या है यूआर, ठीक है, इसके मार्क्स दिए हुए। जैसे अगर मैं बात करूँ एनआईए की, किसकी बात करूँ एनआईए की, तो 88 मार्क्स गई थी इसकी कट ऑफ, और एसएसएफ की 84। मगर हम सबको पता है इस बार हो गया पैटर्न चेंज, क्या हो गया पैटर्न चेंज हो गया, ये था आउट ऑफ 100 मार्क्स, आउट ऑफ 100 मार्क्स, अब होने वाला है आउट ऑफ 160 मार्क्स। तो 160 में से हमको कितने लाने होंगे ताकि हमारी कट ऑफ क्या हो जाए, आसानी से क्लियर हो जाए। तो एक चीज ये बताइए, ये कितने गुना हो गया, 1.6 टाइम हो गया, तो इसका भी 1.6 अप्रोक्सीमेटली जाएगा ही जाएगा, तो ये कितना होगा, ये इसको अगर हम गुणा कर दें तो ये अराउंड बन रहा है 140.8, कितना बन रहा है, अराउंड 140.8। तो ये अराउंड 141 या 142, 140 प्लस जो रहेंगे इस बार, 140 प्लस, क्या 160 में से 140 प्लस वाले इस एनआईए की जगह इस बार एनसीबी आया है, इस बार एनसीबी आया है, तो क्या ये सेफ रहेंगे बहुत ही ज्यादा। ये तो 140 वाले तो अपना सिलेक्शन मान के चले कि इनका सिलेक्शन तो हो गया समझो, इनका सिलेक्शन हो गया समझो। सबसे नीचे बीएसएफ जो मिला था लास्ट टाइम, वो मिला था 62 पे। अगर इसी को मैं बात करूं 1.6 टाइम कर दूं तो ये बनता है कुछ अप्रोक्सीमेटली 100। तो 100 प्लस, या मैं कहना चाहता हूं यहां पे 105 प्लस आप मान के चलो सेफ स्कोर एक तरीके से, 105 प्लस जितने भी बच्चे इस बार लेकर के आएंगे उनको कोई ना कोई सीट जरूर मिल जाएगी, कोई ना कोई सीट जरूर मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारियों पर जोर शोर लगाना है, और आप जिसमें भी जाना चाहते हैं एसएसएफ में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में, उसमें क्या करें, ये स्कोर जो दिया हुआ है इसको 1.6 टाइम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, और देख लें उसके अकॉर्डिंग आपको कितना स्कोर इस बार लाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार क्या हो गया है, बदल गया है सब कुछ। और इस बार एग्जाम में भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन और एग्जाम के बीच में 2 महीने मिले हैं, कितने मिले हैं, 2 महीने मिले हैं, सिर्फ 2 महीने का समय है, इन 2 महीने में आपको जम के तैयारी करनी है। तो क्या करना है, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, इसमें आपको वीडियो मिलते रहेंगे, 2 महीने की तैयारी करनी है, समय अपना बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना, समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं। इस पर एक बात कहना चाहूंगा कि हमें शब्द और समय दोनों बहुत ही समझदारी से खर्च करने चाहिए, क्या कि शब्द और समय दोनों हमें बहुत ही समझदारी से खर्च करने चाहिए, ये कभी भी पुनः लौट कर वापस नहीं आते। तो हमें अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, और समय को अपनी एग्जाम की तैयारी में लगाना है। सिर्फ 2 महीने आपके पास में, कट ऑफ आपने देख ली कितनी जा सकती है, लगभग लगभग कितने में आपका सिलेक्शन एकदम फिक्स हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, जय हिंद।